के सहारे की जय। अभी हम लोग मनोना धाम में आए हुए हैं दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है। और ये हमारे मध्य हमारे भाई, क्या नाम हो आपका? रानू ठाकुर। रानू ठाकुर हमारे भैया हैं। और मनोना धाम इस टाइम देश विदेशों में इतना मान्यता इसकी बढ़ गई है, तो हम लोग, मेरे अंदर से एक जिज्ञासा थी कि इसका उद्धार कैसे हुआ, क्या चमत्कार हुआ, उसके बारे में हमारे भैया बताते हैं। बताओ भैया, क्या क्या यहाँ पहला चमत्कार हुआ? एक लड़की मृत्यु घोषित हो गई, मतलब गटर का गड्ढा, मतलब लैंडिंग का, उसमें इसके घर वाले आए थे तो मतलब दर्शन करने के लिए। जब दादाजी मंदिर नहीं बना था, अच्छा, मतलब वो नींव वगैरह की वो रख दी गई उद्घाटन था उसकी, मतलब मंदिर का बनने का प्रस्ताव यहाँ पहले से ही था। अच्छा, फिर वो दर्शन करने आए थे, फिर मेहनती से मिल रहे थे वो लोग, वो बच्ची घूमने के लिए निकल गई। अच्छा, मतलब मेहनती जी और मंदिर यहाँ सब कुछ पहले से था। ठीक है, फिर वो लड़की घूमने लेकर गई थी, वो गड्ढे में गिर गई। ओहो, अच्छा। और वो जब गड्ढे में गिर गई, घर वालों ने सबने कोशिश करी कि लड़की गई तो गई कहाँ। फिर सबने ढूंढा, अचानक एक बच्चा गया, मतलब उसके घर वाले गए गड्ढे में, वो उतरा रही थी मतलब मर गए, वो चढ़ा गई पानी। अच्छा, पानी के ऊपर आ गई। फिर मैं सब वहाँ डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोली घोषित कर दिया। फिर वो आए, फिर मेहंदी ने जब वो दरबार में वो मतलब रंग वहाँ मतलब निकाला, और इन्होंने जो जो अपने आप लोग लेकर आए श्याम जल। हाँ, श्याम जल। हाँ, बोलता हूँ श्याम जल की इसके जी मेहंदी जो जल श्याम जल है, वो मेहंदी ने इन्होंने जो पढ़ के उस लड़की पे छींटे मारे इस जल की। हाँ, और वो वहीं नल, वो सरकारी नल है, मतलब उस मेहनती का वो नल है, उसी नल का ये पानी है, और उसी नल नल के वहाँ से मेहनती ने पढ़ के पानी डाला, वो छींटे डाले, वो लड़की होश में आ गई। वो लड़की होश में आ गई जबकि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर तो काफ़ी चमत्कार हो रहे हैं। अब तो कोई चल नहीं पा रहा था, कोई टेढ़ा, कोई बूढ़ा जैसा है वो, कोई अंधा था उसकी भी रोशनी आई। और फिर दूसरी बात, तो फिर जैसे मैंने खुद देखा है, मुझे लगभग दो महीने हो गए। अच्छा 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 जैसे अभी दो चार दिन पहले अभी आंटी जी आई है, काफ़ी उम्र की थी, लगभग 50-55 साल की, इन्हें 5 साल से उन्हें चमड़ी मिला था। 5 साल से? 5 साल फिर मेहंदी जी ने जल के वो छींटे वाले पड़ गए, फिर वो मेहंदी जी ने इन्हें चलाया। अच्छा, जब इन्होंने छींटे मारे फिर मेहंदी जी ने चलाया, वो भी चलने लगी। उस दिन मेरे हिसाब से 3-4 चमत्कार हुए थे चलने वाले। कितने दिन पहले की बात? जिलोवा परसों का, 2 दिन पहले। फिर एक बच्चा आया था, मतलब था 5-6 साल का। फिर उस बच्चे का वो भी नहीं चल रहा था, वो लगभग शुरू से ही नहीं चलता था। फिर मेहंदी ने वो भी चला दिया। हाँ, वो चल गया। मेहंदी ने अपना वो मंदिर यहाँ पहले से था, महंत जी यहाँ पहले से थे। बाबा श्याम का वो कहाँ से आया? महंत जी पे जो इन्हें पहले तो शायद सपना हुआ, और फिर महंत जी ने अपनी बहुत ज्यादा वो सेवा की थी, सेवा की थी श्याम बाबा की। श्याम, अच्छा, वो पहले से श्याम बाबा के भक्त हुए, वो रिंगत में। फिर जहाँ एक स्थान है जहाँ आपने वो पत्ती वगैरह वहाँ वो मैन शक्ति है और मैन खान है वो वहाँ पे। यहाँ पे अंदर जी जी पीछे अंदर जो ना जैसे आप बैरिकेड में गए, नीम का पेड़ पड़ा हुआ है, वो खान है। बहन जी ने वहीं तपस्या की, बहन जी ने वहाँ से वहीं से इन्हें चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं। बाकी ये भी कहा जाता है कि जो बर्बरी में जो बाबा श्याम का रूप है, उनका जन्म स्थान है वो यही है। हाँ, इसी जगह पर उनका जन्म स्थान है। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि आस्था है और आस्था में विश्वास है तो चमत्कार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मृत घोषित डॉक्टरों जो साइंस द्वारा जो मृत घोषित कर दिया जाता है, उनको भी जीवन प्रदान किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक के साथ होता है ना तो वो तुक्का कहलाता है, पर 1, 2, 10, 20, 50 होते रहते हैं तो उसे चमत्कार और उसे आस्था में विश्वासी कहा जाता है। इसी प्रकार मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार हारे के सहारे की